सूरत के कोचिंग में मौत किया। कोटा की कोचिंग में छात्र कितने सुरक्षित? कुछ नहीं बताऊंगा, जहां तक अभी आ रहे हमारे ओनर तो बताएंगे। हालात ये है कि यहां पर कोई भी कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। जी राजस्थान पर कोचिंग संस्थानों का रियलिटी चेक। अगर कोटा के किसी कोचिंग में आग लगी तो क्या होगा? आग से निपटने के लिए कोटा में कोचिंग्स कितनी सक्षम? कोटा की कोचिंग में आपके बच्चे कितने सुरक्षित? क्या आपने किसी कोचिंग में जाकर सुरक्षा व्यवस्था को देखा? जी हाँ, जी राजस्थान आपके सामने कोटा के कोचिंग संस्थानों का रियलिटी चेक रखने जा रहा है, क्योंकि शुक्रवार को गुजरात के सूरत से आई खौफ की इन तस्वीरों को पूरे देश ने देखा और हर किसी के मन में यही सवाल आया कि आखिर कोचिंग संस्थानों को लेकर सरकार इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? आखिर कोचिंग संस्थानों में सेफ्टी के तमाम इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे? कोटा में हमने जो रियलिटी चेक किया है वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन सूरत की इन तस्वीरों को आप एक बार फिर से देख लीजिए। जान बचाने के लिए चौथी मंजिल से छलांग लगाते ये वो बच्चे और टीचर्स हैं जो तक्षशिला ऑर्किड कॉम्प्लेक्स में रोज की तरह पढ़ने और पढ़ाने आए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये शुक्रवार काला साबित होगा। इन तस्वीरों को देखकर हम और आप सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयानक रही होगी और किसी को भी संभलने का मौका तक नहीं मिला होगा। आग की वजह से ट्यूशन क्लास में मौजूद बच्चों में अफरा तफरी फैल गई और जान बचाने के लिए बच्चों ने ऊपर से ही छलांग लगा दी। आग लगने की वजह से कई लोग कोचिंग के ऊपरी मंजिल से कूदते दिखाई दिए। ऐसे में देश की सबसे बड़ी कोचिंग सिटी का रियलिटी चेक करना बेहद जरूरी था, क्योंकि आपके बच्चे कोटा में पढ़ते हैं और आपके लिए जानना जरूरी है कि आपके बच्चे कोटा में सुरक्षित हैं या नहीं। कोटा के हर गली मोहल्ले में आपको कोचिंग संस्थान दिख जाएंगे। कोटा में इस वक्त करीब 500 से ज्यादा छोटे बड़े कोचिंग संस्थान चल रहे हैं और देश के हर राज्यों से लाखों छात्र इन कोचिंग संस्थानों में अपना भविष्य बेहतर बनाने के लिए पढ़ने आते हैं। लेकिन हमारी रियलिटी चेक में पता चला कि अगर सूरत जैसे हालात कोटा में भी बनते हैं तो कोटा की तस्वीर और घातक और तबाही मचाने वाली होगी। ज्यादातर कोचिंग संस्थानों में फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं, कुछ कोचिंग में सिर्फ खाना पूर्ति के लिए फायर सेफ्टी। पूरे देश में कोटा को एजुकेशन हब के तौर पर जाना जाता है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के करीब 1.5 से 2 लाख छात्र हर साल कोटा में कोचिंग के लिए आते हैं। 500 से ज्यादा छोटे बड़े कोचिंग संस्थान कोटा में है जो कि कोचिंग छात्रों को कोचिंग देने का काम करते हैं, पढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन बड़ी बात ये कि आखिर उन कोचिंग छात्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी क्या है, वो माकूल इंतज़ाम क्या है कि जब अगर आगजनी जैसी हालात हो जाए, सूरत जैसी घटना घट जाए तो फिर इंतज़ाम क्या है। हमारी पड़ताल में पता चला कि कोचिंग संस्थानों में फायर एग्जिट का दूर दूर तक कोई इंतजाम नहीं किया गया है, यानी अगर आग लगती है तो कोचिंग से बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता तक नहीं है। देख सकते हैं आप, इस वक्त हम कोटा के एक कोचिंग के बाहर खड़े हुए हैं और यहाँ पर आप तस्वीर देखेंगे तो फिलहाल देखने से यहाँ पर कोई फायर सेफ्टी के जो इंतजाम हैं वो यहाँ पर नज़र नहीं आते। बात करें तो किसी तरह से फायर से जुड़े हुए कोई भी संसाधन जो कैमरा देख पा रहा है, जो हम देख पा रहे हैं, उसमें यहाँ पर हमें नज़र नहीं आते। इस तरह के कई ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जिनमें फायर सेफ्टी के जो इंतजाम हैं उनको लेकर के कोई टेस्ट नहीं होता, उसको लेकर के अग्निशमन विभाग की तरफ से कोई जो विजिट है, कोई जो चेकिंग का अभियान है वो नहीं होता। हालांकि बड़े जो कुछ कोचिंग संस्थान हैं वो नियमों की पालना ज़रूर करते हैं, लेकिन कई ऐसे अनगिनत छोटे कोचिंग संस्थान हैं जहाँ पर इसको लेकर के कोई ध्यान नहीं दिया जाता और पूरे जो तमाम सेफ्टी के इंतजाम आते हैं उन्हें इग्नोर किया जाता है। अब देखिए, लापरवाही की सबसे बड़ी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि कैसे प्रशासन इस लापरवाही पर आंखें मूंद रखी हैं, वो भी आप देख ही लीजिए। कोचिंग के एंट्रेंस गेट पर बड़ा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, यानी एक तरफ तो पूरी बिल्डिंग में ही एक ही एंट्री और एक ही एग्जिट पॉइंट है, तो दूसरी तरफ गेट पर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। जरा सोचिए, अगर आग लगती है तो आखिर कैसे छात्र जान बचाने के लिए कोचिंग से बाहर आ पाएंगे? सूरत में घटी घटना शॉर्ट सर्किट की वजह से थी। ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट के बाद वो मंजर पैदा हुए
वो हालात पैदा हुए जिसमें कोचिंग छात्रों ने अपनी जान गंवाई। देख सकते हैं आप कोचिंग संस्थान के ठीक नीचे और एंट्री पॉइंट पर ये ट्रांसफार्मर यहाँ पर लगा पड़ा है। ठीक एंट्री पॉइंट पर ये ट्रांसफार्मर है और ठीक एंट्री पॉइंट पर किस तरह के हालात हैं जो कि अपने आप में हालातों को बताने के लिए पूरी तरह से काफ़ी हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये यहाँ पर ऐसे हालात होने के बाद में यहीं पर फायर सेफ्टी के इंतज़ाम होने चाहिए, लेकिन मुझे और इस कैमरे को ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता। कोचिंग संस्थानों की पड़ताल करने के बाद हमने कोचिंग संस्थान में पढ़ने वाले छात्रों से बात की। छात्रों ने हमें बताया कि उनके सेफ्टी के एक भी इंतजाम नहीं किए गए हैं और अगर ऐसी कोई घटना होती है तो फिर उनके बचने के लिए एक भी रास्ता नहीं होगा। यानी कोटा के ज्यादातर कोचिंग्स में बच्चे मौत के मुंह में पढ़ाई करने को विवश हैं। यहाँ पे कोचिंग संस्थान में हर फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है, बाकी फायर इंस्टीट्यूशन कोई चीज़ें यहाँ प्रोवाइड नहीं है। इन कारणों से बस यही है कि आगे जाकर किसी प्रकार की क्षति पहुँचती है तो ओनली स्टूडेंट को पहुँचेगी, ना किसी को। इसके लिए सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि जो कोचिंग संस्थान है उनको अधिक से अधिक बोला जाए कि जो सेफ्टी पढ़ाई के साथ साथ जो सेफ्टी के इक्विपमेंट है वो भी यहाँ प्रोवाइड करा जाए। सर कुछ भी नहीं होगा, जैसे अगर आग वग लग जाती है तो जलकर मरना ही पड़ेगा, निकलने का कोई रास्ता नहीं है, बाहर निकलने का कोई नहीं है, वहीं पे जलकर वहीं पे मरना पड़ेगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर गैर कानूनी तौर पर चलने वाले कोचिंग सेंटर्स पर कार्रवाई कब होगी? प्रशासन ने गैर कानूनी कोचिंग सेंटर्स पर आखिर आपत्ति क्यों नहीं जताई है? फायर सेफ्टी इंतजाम के बिना कैसे चल रहे हैं कोचिंग सेंटर? कोचिंग संस्थानों में आपातकालीन गेट क्यों नहीं बनाए गए? क्या सूरत हादसे के बाद कोटा प्रशासन सबक लेगा? सवाल कई हैं जिनका उत्तर वक्त रहते दिया जाना जरूरी है, क्योंकि देश एक और सूरत हादसा नहीं देख सकता है। देश अपने भविष्य को यूं ही आग में झुलसते जलते हुए नहीं देख सकता है। हमें उम्मीद है कि जी राजस्थान के रियलिटी चेक के बाद प्रशासन हरकत में आएगा और कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई करेगा। जी मीडिया के लिए कोटा से हिमांशु मित्तल की रिपोर्ट।